आज संध्या रसोई में बनने वाला है स्प्राउट। दो प्रकार का स्प्राउट बनने वाला है, एक है कच्चा सैलेड के साथ और एक है फ्राइड सैलेड के साथ। आइए देखते हैं कि हम दोनों को कैसे तैयार करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप आए संध्या रसोई में, आपका खूब खूब स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज संध्या रसोई में बनाने वाले हैं हम टेस्ट में वेस्ट, एकदम बढ़िया और प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट सैलेड बनाने वाले हैं हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिया हुआ है। हमने लिए हैं तीन प्रकार के स्प्राउट। हमने लिए मूँगफली अंकुरित करके, ये अंकुरित कर ली हमने, और ये मूँग अंकुरित की है, और ये चने, हमने तीनों चीज़ें ली हैं हमने। और सैलेड में हमने लिया है कद्दूकस करके, मूली, खीरा, और ये हमने लिया है कच्चा नारियल हरा वाला, और ये लिए हमने टमाटर और धनिया पत्ती हरी मिर्ची, और ये लिया है हमने मीठा नीम काट करके। ये सैलेड में हम बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें डालेंगे हम। और ये हमने लिए हैं कुछ मसाले, इसमें है हमारा काला नमक, कुटी हुई काली मिर्ची, और ये लिया है हमने जीरा। हम आपको इसको दो प्रकार से बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। एक तो हम बनाएंगे कच्चा ही खाने के लिए बनाएंगे, और एक को हम थोड़ा सा फ्राई करके दिखाएंगे। कई लोग कच्चा नहीं खा पाते, इसलिए हल्का सा हम फ्राई करके दिखाएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले कि हम सैलेड कैसे बनाएंगे। आइए देख लेते हैं। हमने पहले लिया है ये एक बड़ा सा बाउल, इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम सबसे पहले ले लेते हैं मूंग, इसको मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है, क्योंकि इसमें गलाने के बाद जो स्मेल आती है ना, उसे हमें दो से तीन पानी से अच्छी तरह से धो लेना है इसको। फिर मैंने लिया है मूंगफली दाना, और ये लिए हैं मैंने देसी वाले काले चने अंकुरित किए हैं। आप चाहें तो काबली चने को भी अंकुरित कर सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार आप स्प्राउट ले सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे ककड़ी, खीरा जो मैंने अच्छा बारीक काट लिया है, उसके बाद हम लेंगे किसी हुई मूली, आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, टमाटर, इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम डाल लेते हैं किसा हुआ नारियल। अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ी सी कटी हुई स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा धनिया। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं, काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा काली मिर्ची कुटी हुई थोड़ी सी, और लेमन जूस। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और ये हमारा तैयार हो गया स्प्राउट सैलेड। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगता है। जब हम मॉर्निंग वॉक से घूमकर वापस आते हैं, तो अगर हमें ये सैलेड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। हल्की फुल्की भूख में ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, दो मिनट में बन करके ये तैयार हो जाता है। देखिए आप ये कितना अच्छा सैलेड बना है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्प्राउट तैयार हुआ है हमारा। मैंने इसको एक दिन पहले अंकुरित किया था, ज़्यादा बड़े अंकुरित मैंने नहीं किए हैं, मीडियम ही किए हैं। बहुत बड़े वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने अब थोड़ा सा हम ऊपर से किसा हुआ नारियल डाल देते हैं, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए धनिया पत्ती डाल देते हैं,
ये देखिए हमारा एक प्रकार का स्प्राउट तैयार हो गया है। आप खाइए, बनाइए, खाइए, कैसा लगता है आपको और मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा फ्राइड करके हम इसको कैसे खा सकते हैं। देखिए हमने ये पैन गरम कर लिया है, इसमें हम एक चम्मच मक्खन डाल देते हैं। हम फ्लेम को एकदम से कम कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं हम इसको। तेज हो गया है ये। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी राई के दाने डाल देते हैं और ये कटे हुए हम करी पत्ते डाल देते हैं। थोड़ी सी हम हरी मिर्ची डाल देते हैं कटी हुई। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें मूंग डाल देते हैं, मूंगफली दाना डाल देते हैं और ये चने डाल देते हैं। इनको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची। अब हम बंद कर देते हैं गैस की फ्लेम को। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसमें सैलेड मिलाएंगे। ये देखिए हमारा ठंडा हो चुका है स्प्राउट। अब हम इसको शर्व करके दिखाते हैं आपको। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सैलेड। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें मूली, फिर डालेंगे हम टमाटर, अब हम डालेंगे इसमें ककड़ी, अब डालेंगे हम किसा हुआ नारियल। ये देखिए आप कितने अच्छे से तैयार हो गया है हमारा सैलेड। अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निश के लिए। अब इसमें डाल देते हैं हम लेमन जूस। विटामिन सी से भरपूर हमारा सैलेड तैयार है। देखिए आप, अगर आपको फ्राइड खाना है तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं और आपको अगर कच्चा खाना है तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है ये। हम अगर नाश्ते में खाते हैं और हम अगर दिन में हमें कभी भी छोटी मोटी भूख लगती है तो हम इस तरह से तैयार करके खा सकते हैं। इससे हमें भूख भी नहीं लगेगी और हमारा वेट लॉस करने में भी मदद होगी, इसलिए हम ऐसे बना कर खाएं। और हमें बताएं आप कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह से बना के खाइए और अपने परिवार में सबको खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के लिए, सभी बड़ों के लिए, कभी भी आप खा सकते हैं। आप इसे खाना के साथ, लंच के साथ भी खा सकते हैं। तो आप बनाइए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और पूरे वीडियो में आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बाय, टेक केयर।